शांति। आज 28 दिसंबर 2021 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो, बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। प्रश्न है, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? उत्तर है, जो बच्चे अपना वैल्यूबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उनका दान करो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि यह है सबसे अच्छे ते अच्छा चित्र समझाने का और है भी भारतवासियों के लिए। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, यह बाबा भी ज्ञान की उछाले देते रहते हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है, कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए, सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं, मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े। सीढ़ी है तो स्थूल वतन की, 84 जन्मों की, ज्ञान के बिगर यह चित्र कोई बना न सके। ज्ञान तो तुम बच्चों में ही है, सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए, यह बड़ी अच्छी चीज है। ऊपर में मूल वतन भी जरूर चाहिए। समझाया जाता है, आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसल रहती हैं। मूल वतन के बाद हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया, जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं, भारत पावन था, अभी पतित है, अक्षर सब लिखने पड़ते हैं। बिचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबर वार है जो जानते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर को जैसे भूल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समझाया जाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान टूट जाए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है, इस अवस्था को जमाने में ही मेहनत है। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो सुख शांति पवित्रता थी। अभी मनुष्य दुखी हुए हैं तो घर को याद करते हैं। कोई को भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है, सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में रहे। हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म सिद्ध करने हैं, फिर इस हिसाब से समझाया जाता है। जो आधा कल्प के बाद आते हैं उन्होंने जरूर कम जन्म होंगे। सारा दिन बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे, सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं, और कोई ने अपना नाम नहीं बदला है, हिंदुओं ने ही बदला है। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है, ज्ञान सागर बाबा तुमको नया ज्ञान दे रहे हैं। सीढ़ी के चित्र पर बहुत बच्चों को ध्यान देना है, सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा।
सारी रात बुद्धि चलती रही, 84 का चक्र कैसे समझाया जाए। आधा कल्प ही रावण राज्य, बाद में जो आने वाले हैं वह यह ज्ञान उठाएंगे ही नहीं, सतयुग त्रेता में आने वाले ही उठाएंगे। जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है वह यह ज्ञान उठाएंगे भी नहीं। अभी तो भारत की कितनी संख्या है, सतयुग त्रेता में होता है एक बच्चा एक बच्ची, पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु विकार की बात नहीं। रावण राज जो होता ही है द्वापर में, परंतु त्रेता में दो कला कम हो जाने से कुछ न कुछ प्योरिटी कम हो जाती है। रावण राज्य और राम राज्य को भी कोई समझते नहीं है। राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे, शौक चाहिए कोई का कल्याण करने का, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते हैं। धारणा करते जाए तो सर्विस पर भी बाबा भेज दे। जिनको सर्विस का शौक है वह तो दिन रात सर्विस करते हैं। सीढ़े के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे नदिया हैं, तो वह शो दिखाना है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, राजाई तो स्थापन होनी ही है। सीढ़ी में भी दिखाया है सतयुग श्रेष्ठाचारी पावन भारत, वही अब पति भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ है। अब दुर्गति को पाए हुए हैं तब तो बाबा आकर सदगति करते हैं। इसमें भल कोई आत्मा अच्छी व बुरी होती है, रिलीजियस आदमी इतना पाप कर्म नहीं करते हैं, वेश्याएं आदि बहुत पाप कर्म करती हैं। यह है वेश्यालय, सतयुग है शिवालय, उनके स्थापना शुबाबा करते हैं। उनको कृष्णपुरी भी कहते हैं, अर्थात कृष्णालय कहे, परंतु स्थापना तो शुबाबा करते हैं ना। यह सीढ़ी का चित्र भी जरूरी है, इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शुबाबा से योग हो तब नशा चढ़े और पद भी पा सके। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा तकदीर में जो होगा, सर्विस का शौक रखना चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है, आगे चलकर कैलेमिटीज भी जोर से आती रहेगी, फिर खाली हाथ जाएंगे। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं, तो डर रहना चाहिए। योग की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाए, फिर औरों को भी बनाना है। धन दिए धन ना खूटे, मेहनत करनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पाँव पर खड़ा रहना है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ का समय ही अभी है। दुनिया में किसको पता नहीं है कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तुम इस सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे 84 जन्म कैसे हैं। ऊपर में लिखा हुआ भी है शिव भगवानुवाच, निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। जिनको समझाते हैं वह फिर औरों को भी समझाएंगे कि बच्चे तुमको अब कारुण का खजाना मिलता है तो वह लेना चाहिए, ऊंच पद पाना चाहिए। यह है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। एक ही घर से एक भांति ज्ञान में है, दूसरा नहीं है। खिट खिट तो होगी ही, यह सैंपलिंग लग रहा है। हम पूज्य से पुजारी कैसे बने, यह राज बड़ा समझने का है। जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते हैं वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में ही प्रवेश किया है। सब पतित है ना, बाप भी समझाते हैं तो दादा भी समझाते हैं तो दादियां भी समझाती हैं। बहन भाइयों का धंधा ही यह है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहे तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं।
जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं उनको फल जास्ती मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उन्होंको सर्विस में बड़ा मजा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना, कहेंगे अच्छी सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ। जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ। वहाँ सर्विस करके आओ, सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे हम जाकर समझाते हैं, वहाँ सेंटर भी खुल सकता है। निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। बाप गायन तो करेंगे ना, यह बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं। सर्विस का शौक रखने से मदद भी मिलती है। जितना बाप की सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलन से ही मालूम पड़ जाता है किसको सर्विस का शौक है। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े, बहुत भारी कमाई है। बाबा को भी कब कब ख्याल आता है, जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी। बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे ही याद पड़ते हैं। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है। जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, रिवाइज करें, तब फिर आकर मुरली चलाए। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर फिर चलाती थी। भल मुरली हाथ में न भी लेवे तो भी अच्छी चला सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है वह सर्विस करते रहेंगे। मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे। यह मुरली छपने का काम तो बहुत जोर से चलेगा, टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा, मुरली विलायत तक भी जाएगी। कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाएगा। उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। तुम्हारा तो सारा दिन धंधा ही यह रहना चाहिए, यह ही ऊंचे ते ऊंचा धंधा। बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है ना, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला करे। सारा दिन बुद्धि में यही फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। यह खुशी है सारी अंदर की, आत्मा को खुशी होती है। ओहो, हमको बाबा मिल गया है। बेहद के बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। बच्चे बाप का टीचर का शुक्रिया मानेंगे ना। स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं तो फिर टीचर को सौगात भी भेज देते हैं। तुम बच्चे जानते हैं बाबा हमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। यह पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट क्लास नॉलेज है, इनको समझने से कारुन का खजाना मिलता है भविष्य में। कमाल है ना, हर एक बच्चा समझ सकता है हम किस ग्रेड में हैं। सारा मदार ही सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब कुछ पद पा सकेंगे। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, व्यर्थ समय गवाते हैं। बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति देने के लिए। यह है ही दुर्गति की दुनिया। पूछो तुम दुर्गति में हो तो कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। यह बुद्धि में नहीं आता है
कि स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है कि यह तो पुरानी आयरन एजर दुनिया है। बड़े घमंड से बैठे हैं, कितना भक्ति मार्ग का जोर है। भक्ति का तो बहुत पॉम्प है, कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह है अंतिम पॉम्प, माया इस तरफ आने नहीं देती है। चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून चूस लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। दूसरी पॉइंट है सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। आज का वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। विश्लेषण है जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम न पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व देवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लिख भी न रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब राजी हो जाएगा। आज का स्लोगन है व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। अच्छा, ओम शांति।